हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़े रहना। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप भी मेरी तरह से डबल फ्री फायर कैसे खेल सकते हो, वो भी एक ही मोबाइल के अंदर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि आप एक मोबाइल के अंदर दो फ्री फायर खेल सकते हो, वो बिना किसी लैग के। और डबल फ्री फायर चलाने के बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हर महीने हमारा कॉल बैक इवेंट आता है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप वीडियो को देखते फिरते हो इधर उधर, और आपको अपने फ्रेंड को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मेरा कॉल बैक इवेंट कंप्लीट करा दे, क्योंकि आप इसमें यहाँ पर डबल फ्री फायर चलाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आप 4-5 आईडी बनाकर रख लेना, जिससे आपका यहाँ पर कॉल बैक इवेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को जोर से पूरा देखना, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। और नहीं तो आप वीडियो को नहीं देखोगे तो आप फिर आके बोलोगे मेरा लैग कर रहा है, मतलब ओपन नहीं हो रहा, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। डबल फ्री फायर खेलने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है मल्टी अकाउंट। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, ऐसे आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है मल्टी अकाउंट। यहाँ पर फिर यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर पहले डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पर मेरा ओपन कर रहा है, आपको यहाँ पर इंस्टॉल का आएगा तो इंस्टॉल कर लेना। उससे पहले इसका अपडेट आया उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर हो क्या रहा था कि हमारा जो फ्री फायर इसके अंदर ओपन नहीं हो रहा था, क्रैश हो रहा था, यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। तो आप यहाँ पर बहुत मजेदार बात होने वाले कि आपके यहाँ पर फ्री फायर यहाँ पर इसमें ओपन हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। इसके अंदर यहाँ पर मेरा फ्री फायर मैक्स ऑलरेडी एड हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। एक बार डिलीट नहीं हुआ, एक बार फिर से कर देता हूँ। यहाँ पर डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन आ रहा है, इस पे जाना है। फिर आपको इसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पर प्लस वाला आइकन आ रहा है, इस पे जाकर यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर फ्री फायर या फ्री फायर में ऐसा जो भी आपके पास हो उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको क्या करना है, एक काम करना है, यहाँ पर इसको मिनिमाइज करना है। जैसे मैं आपको मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसे कर देना। और फिर आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखेगा, तो उस पर यहाँ पर टैप करना है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसको मिनिमाइज करोगे आपके सामने एक तो लॉक आएगा, फिर यहाँ पर 2 लाइन आएगी, तो उस पर आपको टैप कर देना है। और फिर आपकी यहाँ पर स्लिप्ड स्क्रीन ऑन हो जाएगी, एक तरफ में थोड़ा सा ब्लैक आ जाएगा और एक तरफ में ऐसा आ जाएगा। आपको यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर जो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है उस पर यहाँ पर एक बार टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपका यहाँ पर डुप्लीकेट फ्री फायर यहाँ पर ओपन होने लग जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना मेन फ्री फायर जो फ्री फायर मैक्स आपको यहाँ पर ओपन करना है। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे मिनिमाइज किया, होम पर चले जाना है। होम पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स जो भी आपके पास उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे एक बार दोनों पर टैप, अपनी उंगलियों को टैप कर देना है। जैसे आप टैप करोगे आपका दोनों फ्री फायर यहाँ पर खुलने लग जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर रोटेशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर जाकर आपको यहाँ पर रोटेशन ऑटो रोटेशन यहाँ पर ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करोगे इसको आप अपनी स्क्रीन को यहाँ पर घुमा सकते हो। घुमाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखने लग जाएगा। एक डुप्लीकेट फ्री फायर में थोड़ा सा छोटा सा अपडेट आएगा, तो उसको यहाँ पर अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आने लग जाएगा। आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन का मांगेगा, तो आपको क्या करना है, डुप्लीकेट में जो अपना गेस्ट अकाउंट होता है वहीं पर यहीं पर लॉगिन करना है, या फिर आपका गूगल अकाउंट हो तो उसको लॉगिन करना है। अगर आप फेसबुक का करते हो तो यहाँ पर ओपन नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस करने में इसको प्रॉब्लम आता है, तो वो यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा। तो आप या तो गेस्ट या फिर गूगल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद दोनों आईडी को यहाँ पर ले आना है लॉबी में। लॉबी में आने के बाद आपको क्या करना है, दोनों आईडी को एक साथ लाना। दोनों आईडी को एक साथ कैसे ला सकते हो, या तो टीम कोड बना के ले आना या फिर यूआईडी से लेके आ जाना। यहाँ पर लाने के बाद आपका काम खत्म हो गया, बस यही पर यही करना था। और फिर आप दोनों आईडी से एक साथ खेल सकते हो, जो कि यहाँ पर जो कॉल बैक इवेंट आता है उनको कंप्लीट करने में काफी ज्यादा मदद करने वाली है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो ये जरूर से करके देखना और कॉल बैक इवेंट जरूर से पूरा हो जाएगा आप लोगों का भी। और आपके फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करना वीडियो को, ताकि वो भी कॉल बैक इवेंट कंप्लीट कर पाए। जिसके पास एक मोबाइल है उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया है। तो आप इसको डाउनलोड करके ट्राई जरूर से करना, और अगर वर्क करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, अगर नहीं करता तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगर चैनल पर न्यू आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो यार, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।